आपका चैनल एक साल पुराना हो गया, यानी कि आपके चैनल को एक साल कंप्लीट हो गया, बट आप जो है 4000 हर्ष यानी कि 4000 घंटा आप कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, या फिर 1000 सब्सक्राइबर आप कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा। एक्चुअली काफी लोगों का कमेंट आता रहा है कि हमारा जो है एक साल पूरा होने वाला है, एक महीना बचा है, हमारे 200 घंटे कम है, 500 घंटे कम है, तो अब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो अगर नहीं हो पाया तो जस्ट वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि हमारा एक साल बर्बाद हो गया, अब हमें जो है पूरा एक साल फिर मेहनत करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है, आप लोग प्रॉपर समझ नहीं पा रहे हैं इस पॉइंट को। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अभी समझ में आएगा। तो आप लोग इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर आप एक बेस्ट यूट्यूबर बनना चाहते हैं, ऑनलाइन पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं मेन पॉइंट पर। तो पॉइंट ये है कि क्या अगर हमारा एक साल कंप्लीट हो गया और 2-4 घंटे ही रह गए, बच गए, नहीं पूरा हो पाया, या एक ही सब्सक्राइबर कम रह गया, तो क्या हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा? तो क्या हमारा एक साल खराब हो गया? क्या हमें अब दोबारा से एक साल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे करने पड़ेंगे? अब हमको फिर एक साल तक जो है मेहनत करना पड़ेगा? बट ऐसा नहीं है। आप लोग प्रॉपर तरीके से इसके एल्गोरिथम को समझिए कि एक्चुअली यूट्यूब कहता क्या है। YouTube जो है ये कहता है कि लास्ट के एक साल के अंदर हमें 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। जैसे इसको थोड़ा सा उदाहरण देकर के मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए, अगर आपने जनवरी 1 जनवरी को आपने एक चैनल खोला, चैनल ओपन किया, चैनल क्रिएट किया, तो आपको जाकर के दिसंबर लास्ट में जो है एक साल पूरा होगा। तो अगर मान लीजिए इधर आपके सब्सक्राइबर गेन नहीं हुए, व्यूज नहीं आए, तो जाकर के दिसंबर लास्ट में अगर आपके 3000 घंटे ही कंप्लीट होते हैं, मान लीजिए 3000 घंटे ही कंप्लीट होते हैं और 1000 घंटे कम रह गया, तो लोगों का मानना है कि अब दिसंबर खत्म, जनवरी आ गई, तो अब एक साल हमारा बर्बाद गया। बट ऐसा नहीं है। अब इधर हम आ जाते हैं, जो आपने स्टार्टिंग किया था जनवरी में, मान लीजिए जनवरी में तो आपको व्यूज नहीं आए, अच्छे व्यूज नहीं मिले, लेकिन जाकर के फरवरी में आपको जो है अच्छे खासे व्यूज मिल गए, और वहां पर जाकर के फरवरी में आपको हो सकता है 500-1000 घंटे मिल गए हो, तो अब क्या करेगा यूट्यूब कि हो सकता है आपका जनवरी से दिसंबर तक में तो जाकर के कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन यहां पर अगर फरवरी से इधर का एक महीने काट देता है, वो एक्चुअली एक एक दिन ऊपर लेकर के चलता है, लेकिन अगर मान लेते हैं हम एक महीने आगे चल करके फरवरी से, और आगे जाकर के एक साल हम कंप्लीट करेंगे जनवरी में, तो क्या होगा? इधर से फरवरी का उधर जनवरी में जाकर के एक साल कंप्लीट हो रहा है, तो इधर अगर फरवरी से और उधर जाकर के एक साल जनवरी में कंप्लीट करके एक साल में अगर आपका 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया, तो वो दिसंबर में जो होना था वो दिसंबर में नहीं, बट जाकर के आपका फरवरी में, जनवरी लास्ट में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आपका पूरा साल बर्बाद नहीं जाएगा। आपको लास्ट से यानी कि आज से, जैसे मान लीजिए अगर आज हमारा कंप्लीट हो रहा है एक साल, तो आज से पिछले 365 दिन का ही उनको रिकॉर्ड चाहिए, 4000 घंटे और
1000 सब्सक्राइबर। ये नहीं है कि आज अगर पूरा नहीं हुआ तो अब अगला एक साल उनको चाहिए, ऐसा नहीं है। फिर कल जाकर के पिछला चाहिए, फिर परसों जाकर के पिछला 365 दिन चाहिए। तो ऐसे ऐसे पीछे से खिसकता जाता है आगे की तरफ। जिस दिन आपका रेशियो 1 साल के अंदर में आपका ये कवर कर लेगा, यानी कि 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर, उस दिन आपका जो है चैनल मोनेटाइज के लिए जो है रिव्यू में चला जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने 1 साल में कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका 1 साल बर्बाद जाएगा, ऐसा नहीं है, कभी बर्बाद नहीं जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के काम करते रहें। लास्ट के जैसे ही 1 साल के अंदर आपका जो है कंप्लीट होता है 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर, तो आपका जो है चैनल रिव्यू में चला जाएगा। और रिव्यू में जाने के बाद अगर आपने किसी भी गलत तरीके से, कोई भी गलत तरीके से अगर सब्सक्राइबर्स गेन नहीं किया है, आपने व्यूज गेन नहीं किया है, कोई भी क्लिक बिट्स वगैरह नहीं किया है, यानी कि किसी भी एक ही आईडी से बार बार जो है वीडियोस को नहीं देखा है, अपने ही आईडी से वीडियोस को नहीं देखा है, ये सब सारी उसके गाइडलाइंस में आती है, तो आपका चैनल जो है बहुत जल्द से जल्द जो है मोनेटाइज कर दिया जाएगा। लेकिन किसी भी प्रकार का आपने गलत तरीका अपनाया है या फिर जो है सब्सक्राइबर आपने परचेस किया है, बाय किया हुआ है, जैसे कि कई सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आपको सब्सक्राइबर्स जो है प्रोवाइड कराती हैं, कुछ पैसे में इतने सब्सक्राइबर्स, इतने पैसे में इतने सब्सक्राइबर्स, तो अगर उस टाइप से अगर आपने बाय किया हुआ है तो यहाँ पर आने के बाद जो है आपके चैनल को मोनेटाइज होने में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो बिल्कुल जो वो चैनल मोनेटाइज होगा रिव्यूज के बाद में, आपके चैनल पर बिल्कुल एक्चुअल जेन्युइन सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, जेन्युइन व्यूज होने चाहिए, तभी जाकर के जो है आपका चैनल मोनेटाइज हो पाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इसके रूल्स जो है आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देता हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। तो दोस्तों